हाय एवरीवन, बिमलिंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल भर्ती 2022, सुप्रीम कोर्ट केस स्टेटस, सारे केस अब डायरेक्शन मैटर से वापस फॉर एडमिशन कैटेगरी में। लेखपाल भर्ती गई कोमा में, नो ज्वाइनिंग नो वोट। ज्वाइनिंग में अभी काफ़ी समय लग सकता है। इम्पोर्टेंट कोर्ट केस, कल जो हमारे केस लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, 61 नंबर पर श्रीधर यादव वाला, 51877, इसे डिस्पोज कर दिया गया। कल जो मैटर था डायरेक्शन मैटर, सबसे पहले इसमें फ्रेश केस सुने जाते हैं जो ऑर्डर होता है, फिर डायरेक्शन वाले केस सुने जाते हैं। तो ये केस लगा भी और 24 मिनट तक इसकी सुनवाई हुई थी। दोबारा से नई डेट मिल गई है 8 जुलाई, फिर से ये नॉर्मल लिस्ट में आ गई है। एडमिशन कैटेगरी मतलब क्या होता है, एकदम नॉर्मल, फिर से नॉर्मल लिस्ट में आ गई है। और नॉर्मल लिस्ट में जो केस आ जाते हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी में आ जाते हैं, तो क्या होता है कि केस की सुनवाई बहुत स्लो हो जाती है, लोग बहुत कम ही ध्यान देते हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, इन्हें जल्द से जल्द निपटा लेना था, लेकिन ये ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है और आयोग को फिक्र ही नहीं है। अगर इनका चुनाव देखिए आप, कितना समय पर इनका चुनाव हो रहा है, समय पर रिजल्ट आया जाएगा। और ये वैकेंसी 2022 की है, 2024 लग गया है पूरा, मतलब आधा बीत भी गया है अगर एक तरफ से देखें तो। अब ये 8 जुलाई डेट दिए हैं, तो आधा 2024 भी बीत गया। अब पता नहीं ये दिसंबर तक ज्वाइनिंग करवा पाएंगे कि नहीं ज्वाइनिंग करवा पाएंगे, कोई फिक्स नहीं है। तो लेखपाल भर्ती गई कोमा में, नो ज्वाइनिंग नो वोट। ज्वाइनिंग में भी काफ़ी समय लग सकता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया था, ज्वाइनिंग में काफ़ी समय लग सकता है। जिस प्रकार से इनकी रवैया है, इससे लग रहा था कि काफ़ी समय ले सकता है और ये भर्ती काफ़ी लंबी खींच सकती है, तो वही हो रहा है। 8 जुलाई को जो 3 केसेज हैं ये देख लीजिए, 8 जुलाई को ये नॉर्मल लिस्ट में ही सुने जाएंगे, आफ्टर नोटिस फॉर एडमिशन केस लिस्ट ऑन 8/7/2024। ये सब केस तभी सुने जाएंगे 8 जुलाई के बाद ही। तो आपकी भर्ती लंबी खींच रही है, इसमें आयोग और सरकार की बहुत बड़ी गलती है। इनके चुनाव होते हैं तो ये समय समय पे चुनाव हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है और ये लोग सत्ता में बैठ जाते हैं, लेकिन वैकेंसियों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इनकी तो रवैया ही नहीं है कि आप लोग नौकरी पाएँ। अब तो आप लोग जैसे क्या है कि करवाएंगे तो क्लियर, लेकिन ये नहीं डिसाइड है ये कब तक क्लियर होगा, काफ़ी समय खींच रहे हैं, ये बहुत गलत है। कोई भी जानकारी आपको लेना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।